1 जून से भारत में लगभग 200 ट्रेन चलाई जाएंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन जगहों पर ट्रेन चलाई जाएंगे, कौन कौन से स्टेशन पर ट्रेन जाएंगी, ट्रेन का शेड्यूल क्या रहेगा, और साथ ही साथ इन 200 ट्रेन में से लगभग 44 ट्रेन बिहार को मिली है, तो बिहार में पर्टिकुलरली किस किस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन आएंगी। और लास्टली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया है और रेल मंत्रालय के द्वारा भी इसका ट्वीट कर बताया गया है। अगर आप IRCTC यानी भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर आते हैं, अलर्ट्स में आप आते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन रेलवेज इज गोइंग टू ऑपरेट 200 ट्रेन, यानी कि 1 जून 2020 से ये 200 ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसके लिए बुकिंग 21 मई 10 बजे सुबह से चालू हो जाएगा। तो टिकट बुकिंग की भी बात हम लास्टली आपको करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ट्रेन नंबर और इसकी जानकारी जो है दी गई है कि कहाँ से कहाँ मेल एक्सप्रेस चलाई जाएंगी, और ये जो लिस्ट है 200 ट्रेन की है, तो 200 ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई जाएंगी उसकी जानकारी दी गई है। तो इस लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। लिस्ट जो आपको डाउनलोड करना है IRCTC.co.in की वेबसाइट से। अलर्ट्स पे आपको जाना है, अलर्ट्स पे जाओगे फर्स्ट में आपको अलर्ट्स देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं इसका जो लिंक है कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे देने की, जहां से आप पता कर सकते हैं। बात करते हैं ट्रेन, तो ट्रेन जो है गोरखपुर से चलाई जाएंगी मुंबई से, उसके बाद लोकमान तिलक से दरभंगा के लिए, लोकमान तिलक से वाराणसी के लिए, मुंबई CST से वाराणसी के लिए, गदग के लिए, तो ऐसे ही बहुत जगह है जहां पर ट्रेन भारत के अलग अलग कोनों में चलाए जाएंगे। तो यहां से आप लिस्ट देख सकते हैं, और लगभग ये जो ट्रेन है डेली बेस पे चलाई जाएंगी। कुछ डेली है, कुछ वीकली है, कुछ वंस इन अ डे है, वंस इन अ वीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस 4 दिन चलाई जाएंगी, तो इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ट्रेन नंबर वगैरह की जानकारी दी गई है। टिकट बुकिंग पर हम बाद में आएंगे, लेकिन बिहार को जो 44 ट्रेनें मिली हैं, तो बिहार के किस किस जिले में ट्रेन चलाई जाएंगी उसकी जानकारी देख लेते हैं पहले, क्योंकि बिहार के प्रवासी मजदूर जो है बहुत जगह पर फंसे हुए हैं, उनको समस्याएं आ रही है। तो बिहार लिस्ट देखने के लिए आपको सिंपली गूगल पे आना और आपको सर्च कर लेना होगा SARKARIYOJANA सरकारी योजना। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर फर्स्ट में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, URL आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसी पर आपको आना है, क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब यहाँ पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो दूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस सर्च करना है SPECIAL स्पेशल ट्रेन, स्पेशल ट्रेन आपको सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर बिहार के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसकी जानकारी मिल जाएगी। बिहार से 1 जून से दौड़ेंगे 44 ट्रेन आज से बुकिंग, तो यहाँ पर आपको इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जिले हैं बिहार में जहां पर ट्रेन चलाई जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यही दिखा देता हूँ, मैं इसको जो है व्यू इमेज कर देता हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो है बहुत जगह पर ट्रेन चलाई जाएंगी, दरभंगा, दानापुर, राजगीर, राजेंद्र नगर, उसके बाद मोतिहारी, आनंद विहार से मोतिहारी, दानापुर, उसके टाटा नगर से दानापुर, अहमदाबाद से दरभंगा, सूरत से छपरा, पटना मुंबई, उसके बाद जो है सहरसा से दिल्ली, मुंबई पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर से आनंद विहार, रक्सौल आनंद विहार, उसके बाद अमृतसर से जयनगर, अमृतसर से जयनगर के लिए यहाँ पर ट्रेन नंबर वगैरह दिया गया है, उसके बाद पुणे से दानापुर, उसके बाद अहमदाबाद से पटना, उसके बाद अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर, उसके बाद शालीमार से पटना, उसके बाद जो है हावड़ा से पटना, उसके बाद पटना से रांची। तो ये सभी ट्रेन जो है यहाँ आएंगी भी और यहाँ से पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर जाएंगी भी। तो लगभग 200 ट्रेन गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए गए हैं 100 जोड़ी ट्रेन आवाजाही के लिए। इनमें से जो है कुछ 44 ट्रेन यानी 22 ट्रेन जो है बिहार को मिले हैं, यानी 22 ट्रेन रोज बिहार आएंगे और बिहार से जाएंगे, जिसको आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग की, तो
मान लेते हैं मुंबई से दरभंगा, ठीक है, बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो मुंबई फंसे हुए हैं, दरभंगा आना चाहते हैं या जो भी उनका नजदीकी स्टेशन है वहां आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चली जानी है, होम पे, होम पे जैसे ही जाएंगे ना आपको यहाँ पर फ्रॉम टू सेलेक्ट करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो है मुंबई, मुंबई फंसे हुए हैं और दरभंगा जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है मुंबई सेंट्रल और यहाँ पर दरभंगा, दरभंगा, और उसके बाद आपको डेट जो रखना है ना, ये डेट क्या रहेगा, 1 जून के बाद। तो यहाँ पर आप जो है 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 7 डालता हूँ। और यहाँ पर ऑल क्लासेस आपको रखने हैं, फाइंड ट्रेन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नो डायरेक्ट ट्रेन फाउंड, यानी इस पर्टिकुलर सॉरी मैं यहाँ पर दरभंगा के जगह कुछ और सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमें जो है दरभंगा सेलेक्ट करना है, दरभंगा। तो डेट रहेगा, फाइंड ट्रेन पे आपको क्लिक करनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो मुंबई सेंट्रल से दरबारी होते हुए यहाँ पर ट्रेन जो है चलेगा। अब यहाँ पर आप जो है इस ट्रेन को 7 जून के डेट में बुक कर सकते हैं। सेलेक्ट कोटा आपको यहाँ पर करना है और उसके बाद जो है आप यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करने के बाद ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अवेलेबल जो है अवेलेबल है, करंट बुकिंग अवेलेबल है और उसके बाद यहाँ पर और भी है, यहाँ पर देख सकते हैं नो मोर बुकिंग अलाउटेड, यहाँ पर आपका जो है बुकिंग अभी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे ही करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको उस डेट को नहीं मिलता है तो आप अगले डेट को देख सकते हैं, मॉडिफाई सर्विसेज आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आपको पर्टिकुलरली डेट डालना है, डेट को आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं 7 को अवेलेबल नहीं है तो 8 को ट्राई करिए, 8 को अगर अवेलेबल नहीं है तो 9 को 10 को ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर देख सकते हैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करनी है और यहाँ पर जो है ₹445 लगेंगे सेकेंड सिटिंग 2S का। यहाँ पर जो है बुक नाउ पे क्लिक करके आप बुक कर सकते हैं, ये 10 जून के लिए, ये 11 जून के लिए, उसके बाद यहाँ पर जो है 11 और 12 जून को नहीं चलेगा, लेकिन 13 जून के लिए यहाँ पर फिर से बुकिंग हो सकती है, 14 जून के लिए बुकिंग हो सकती है। अगर मैं बुक नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने गंतव्य राज्य द्वारा जारी स्वास्थ्य सलाहकार को पढ़ा है, मैं सहमति करता हूँ, मैं उसका पालन करता हूँ, आई एग्री पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप एजेंट लॉगिन करना चाहते हैं एजेंट लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपके पास IRCTC की आईडी नहीं है तो रजिस्टर्ड के बटन पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे IRCTC की वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी, यहाँ से जो आप अपना रजिस्ट्रेशन IRCTC के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है डायरेक्टली रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं और रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम जो है यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आगे प्रोसेस बढ़ा पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर अपना जो है IRCTC यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपना यूजर नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कन्फर्म करना है और यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको डालनी है, उसका आंसर आपको डालना है, फर्स्ट नेम डालना है और जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना है, ऑक्यूपेशन आपको डालना है, मैरिटल स्टेटस, कंट्री वगैरह, इस प्रकार से सारी जानकारी डाल के आपको सबमिट करनी है। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर जाएगा और आपका जो है इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है, जितनी भी जानकारी मांगी गई है सभी आपको डालनी है। अगर मान लेते हैं आपके पास पहले से IRCTC की आईडी है, छोटी सी आईडी होती है, बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, मैंने आपको बताया बहुत ही इजीली आप जो है बना सकते हैं, इंडिविजुअल आईडी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी यूजर आईडी डालनी है और पासवर्ड डाल के आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं बुकिंग का जो प्रोसेस है, सिंपली यहाँ पर टिक करना है, आई एग्री करना है, उसके बाद ओके करिए, ओके करने के बाद अपना यूजर नेम डालिए, पासवर्ड आप अपना यहाँ पर डालिए, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिए और उसके बाद साइन इन करिए। तो चलिए हम यहाँ पर साइन इन करते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पर डालते हैं तो आपका जो है यहाँ पर खुल जाता है यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद। अब सबसे पहले आप जिस नाम से ट्रैवल करना चाहते हैं आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर आपको अपनी एज डालनी है,
जेंडर आप अपना डालिए, अगर कोई रेफरेंस है, जैसे कि आप विंडो सीट लेना चाहते हैं, विंडो साइड लेना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे जो मिल जाए सो सही है। उसके बाद अगर आपके साथ एक से अधिक पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐड पैसेंजर करेंगे, अगर दो कर रहे हैं, तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं, पांच कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो कोई बच्चा है 5 ईयर से कम का तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको जो है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, इस पर अगर आप टिक करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, उसके बाद एड्रेस टू डालना है, और यहाँ पर अपना स्टेट डालिए, सिटी डालिए, उसके बाद यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस डालिए, यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालिए, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, आपकी ईमेल आईडी रहेगी, दैट्स इट। उसके बाद आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, या फिर आप जो है UPI से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है 10 रुपए का चार्जेस भी लग सकता है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो मैंने बस आपको जानकारी के लिए बताया है, यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स होगा, उसके बाद जो है प्रीव्यू होगी, प्रीव्यू बुकिंग के अंतर्गत आपका जो है अगला स्टेप पेमेंट का होगा। पेमेंट जैसे ही होगा आपके नंबर पर जो है ई टिकट चला जाएगा, आपके ईमेल पे जो है ई टिकट चला जाएगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर भी आपको टिकट दिख जाएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट या उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर डेट पे आपने टिकट बुक किया उस पर्टिकुलर डेट पे आपको स्टेशन पहुंच जाना है, वहां से आप अपनी ट्रेन को वहां से पकड़ेंगे और फिर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपको जो है वो देखा जाएगा, हो सकता है आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन केंद्र में भी भेजा जाए। वैसे प्रवासी मजदूर जो आते हैं उनको 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कोई भी व्यक्ति आएंगे सभी को 14 दिनों का अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें अपने ग्राम में प्रवेश मिल पाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में यही, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप किस स्टेट में अभी फंसे हुए हैं, किस स्टेट किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं वो कमेंट कर बताना। तो वीडियो लाइक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, और जो कुछ भी समस्याएं आती है जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं मैं अभी दिल्ली में फंसा हूँ, बिहार जाना चाहता हूँ, ऐसे करके आप जो है लिख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ भी आपकी समस्याएं आती हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करोगे। मिलते हैं आपसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी का दिन सुख, वंदे मातरम।